मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे रहिए। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन कल हमारे यहाँ पानी बरस गया और आंधी पानी बहुत ज़्यादा आ गया, जिससे घर में काफ़ी गंदगी हो गई, डस्ट हो गया। और उसको रात में हमने 12 बजे तक घर की साफ़ सफाई करी, क्योंकि खिड़कियों से काफ़ी डस्ट आ जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब गंदगी हो गया और काफ़ी दिक्कत भी हुआ। लेकिन अब आंधी पानी का तो मौसम चल रहा है, तो वो तो आएगा ही आएगा। अब थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा सो कर आदमी लेट भी उठ जाता है। और अभी तो पूजा पाठ भी करनी है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? चलिए ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं। ओके, बाय, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। देखिए ये वाटर है, ये आंवले वाला जूस है जो मैंने आपको बताया था, और मैं इसको रोज़ लेती हूँ, ये बहुत अच्छा है। इससे क्या है ना कि मेरे बाल जो है ना वो झड़ना बंद हो गए हैं। मैंने देखा पहले मेरे बाल बहुत झड़ते थे और फर्श में पूरे बाल ही बाल दिखते थे, लेकिन अब ये इसकी मैंने जब से मैं इसको पी रही हूँ तो मेरे बाल अब फर्श में दिखाई नहीं देते हैं बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत तो दिखते ही है, लेकिन धुलने में भी नहीं टूटता है और मेरा बाल भी सही हो रहा है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स आप भी लीजिए, और जिनको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ हो वो इसको ले सकते हैं। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है और धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, आप इसको पीजिए, अपने दिनचर्या में इसको शामिल करिए और इसका लाभ उठाइए। और मैं तो लेती हूँ इसको, आप भी लीजिए। गुड मॉर्निंग, देखिए मैंने पूजा कर लिया है और आप भी पूजा कर लिए होंगे, लेकिन अब मेरा नाश्ते का टाइम हो गया है। आज मेरा पोहा खाने का मन था, जैसे बोलते हैं ना पोहा जलेबी, तो वही हमने आज सोचा कि चलो आज पोहा खा लेते हैं। और ये देखिए मेरा अनार का जूस है, ये जो अनार का जूस बहुत अच्छा होता है, इसमें आयरन वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और खून भी बहुत बढ़ाता है ये, तो इसको बीच बीच में लेते रहना चाहिए। और ये सब करने से शरीर में जो भी कमियाँ होती हैं, विटामिन्स की जो कमियाँ होती हैं, वो सारी उससे पूरी हो जाती हैं। इस समय तो खीरा ककड़ी का भी बहुत चल रहा है, पानी की कमी जिनको मतलब ज़्यादा हो जाता है, धूप में चलने से चक्कर आने लगते हैं, हाइड्रेशन हो जाता है, उनको ककड़ी खीरा ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि उससे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मैंने अभी उसका जूस लिया हुआ है, अनार का जूस, मुझे अच्छा लगता है अनार का जूस, और जिनको ब्लड की कमी रहती है वगैरह तो वो ले सकते हैं। मीठा ज़्यादा होता है तो वो चाहें तो थोड़ा सा उसमें पानी मिला लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब मैं नाश्ता करने जा रहा है, मेरा पूजा पाठ हो गया है, अभी मैं आपको पोहा बहुत अच्छा बनाता है यहाँ पर एक, तो मैंने सोचा कि हमेशा तो हम लोग घर पर ही बनाते हैं, आज हम बाहर से पोहा जलेबी खाने का मन था इसलिए मैंने मंगा लिया है। देखिए फ्रेंड, ओके बाय। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पोहा जलेबी है, साथ में देखिए नींबू भी रखा हुआ है, ये पोहा है और आज नाश्ते में हम यही करेंगे। और ये देखिए पोहा बहुत अच्छा है, और अभी इसको खाया जाएगा, इसके बाद फिर खाना पीना और जो सारा नित्य क्रिया है, जो काम वगैरह होते हैं, वो सारे किए जाएंगे। ये देखिए जलेबी, आज जलेबी खाने का मेरा मन था कि हम जलेबी खाएंगे, लेकिन मैं जलेबी दही के साथ भी खाती हूँ, मुझे दही के साथ जलेबी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज मैं पोहा के साथ खाएंगे। ओके फ्रेंड, लीजिए देखिए, और आप भी मंगाइए, बनाइए, खाइए।